तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल सहायता में। दोस्तों, आज एक कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। जनरली देखा गया है कि जो सरकारी वकील होते हैं, जिनको कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के भी नाम से जाना जाता है, उनके लिए एक धारणा बना दी गई है कि उनका काम केवल और केवल किसी भी आरोपी को सजा कराना है। जबकि दोस्तों, अगर सही मायने में देखा जाए तो किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सरकारी वकील का ये दायित्व तो नहीं होता है कि वह किसी भी आरोपी को सजा कराएं। तो दोस्तों, आखिर वो क्या दायित्व हैं, वो क्या रोल्स हैं एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, वो आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, जो मेन काम है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, वो है टू प्रोटेक्ट दी पब्लिक इंटरेस्ट और दूसरा टू प्रिवेंट दी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। पब्लिक इंटरेस्ट को बचाना और किसी भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को होने से रोकना। दोस्तों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्टेट अपॉइंट करती है और जो रिलेशनशिप होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्टेट के अंदर, वो एक काउंसिल एंड क्लाइंट रिलेशनशिप होता है, जिसमें कि स्टेट राज्य जो है वो एक क्लाइंट की तरह बिहेव करता है और यहाँ पर जो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सरकारी वकील हैं, वो यहाँ पर एक काउंसिल की तरह एक्ट करते हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट होता है तो वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद केस को कोर्ट में पेश करती है, चार्जशीट पेश करती है, तो वहाँ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से केस को आगे बढ़ाते हैं और केस के ट्रायल को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत ही साफ साफ शब्दों में कहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कभी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माउथ पीस नहीं है। कि किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अगर यह कह दिया कि इस आदमी के खिलाफ रेप के चार्जेस हैं, तो उसको कभी भी प्रमा फेसाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये बात नहीं मानेंगे कि सच में यह व्यक्ति एक बलात्कार का ही आरोपी है और इसने बलात्कार किया है। जबकि वह पूरी केस फाइल को तह से देखेंगे और ट्रायल को एक सही तरीके से रन करेंगे और एक सच्चाई को कोर्ट के सामने रखेंगे। तो दोस्तों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट को, ऑनरेबल जो कोर्ट होती है, उसको असिस्ट करते हैं सच्चाई की तरफ ले जाने की। और दोस्तों, सच्चाई का मतलब यहाँ पे ये है कि जो केस फाइल किया गया है, जो आरोप तय किए गए हैं, उनमें से वो झूठे भी सिद्ध हो सकते हैं और वो सच्चे भी सिद्ध हो सकते हैं। अगर वो आरोप झूठे सिद्ध होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो अक्यूज्ड है उसको बरी किया जाता है, और अगर पता चलता है सारे सबूत और सारे ट्रायल को देख के, सारे गवाहों को देख के कि सच में आरोपी ने यह एक्ट किया है, तो उसको सजा भी सुनाई जा सकती है। तो दोस्तों, इसमें और थोड़ा सा मैं आपको एड ऑन करके बताता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया चैप्टर 2 ये कहता है कि एक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसको कभी भी प्रोसिक्यूशन को, केस को इस तरीके से नहीं चलाना है कि किसी भी आरोपी को वो सजा की तरह फिर लेके जाए, उसकी इनोसेंस को छुपा के रखें। कभी भी अगर कोई व्यक्ति इनोसेंट है और केस फाइल को देख के लगता है कि इसने यह अपराध नहीं किया है, या गवाहों को देख के लगता है कि इसने अपराध नहीं किया है, तो उसको इनोसेंट घोषित करने से या उसको इनोसेंट प्रूव करने से एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं रोकना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। तो दोस्तों, आज हमने इस छोटे से वीडियो के अंदर ये समझा कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो सरकारी वकील हैं, उनका कार्य कोर्ट को सच्चाई से अवगत कराना है या कोर्ट को सच्चाई की ओर लेके जाना है, ताकि कोई भी इनोसेंट व्यक्ति जो कि जिसने कि कुछ भी नहीं किया है, उसको झूठे केस में फंसाया गया, उसको सजा ना हो, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि अपराध किया है और जो कि किसी भी अपराध का आरोपी है, उसको वो इनोसेंट ना घोषित हो जाए, उसको प्रॉपर उसकी सजा मिले। क्योंकि दोस्तों, आपने सुना होगा एक बहुत ही पुरानी सेइंग है कि बेशक 100 अपराधी बच जाएं, पर एक भी इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी एक भी इनोसेंट को किसी भी केस में सजा हो जाती है जिसका कि वह जिसमें कि वह इनोसेंट था, उसने वह अपराध नहीं किया था, तो एक बहुत ही मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, सरकारी वकील के रोल के लिए। पहली बात, टू प्रोटेक्ट दी पब्लिक इंटरेस्ट, और सेकेंड है टू प्रिवेंट दी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो आपके सामने थी, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल लीगल सहायता को आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।